प्लेसमेंट और इंटर्नशिप सीजन काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। मैक्स टू मैक्स आप लोगों के पास 5 या 6 महीने बचे हुए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए करंट सिनारियोज को मद्देनजर रखते हुए, AI, ले ऑफ, रिसेशन, ये वो सारी चीज़ें, एंड इसके साथ साथ क्या स्किल्स हैं जिन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, किस तरीके से कंपनीज को अप्रोच करना चाहिए, रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं पूरे 6 मंथ्स में, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताने वाले हैं। अब देखो, पलक झपकते यार तुम्हारे कॉलेज के शुरू के 2-3 साल निकल जाते हैं। अगर तुमने इंटर्नशिप के टाइम पे भी ध्यान नहीं दिया, चीज़ें नहीं पढ़ी, तो अब प्लेसमेंट्स के टाइम तो भाई थोड़ी मेहनत कर लेनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो फिर बेरोजगार रह जाओगे। अब कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन काफ़ी पहले हो जाती है, तो वो लास्ट ईयर अपने 3rd ईयर के स्टार्ट होते ही सारी मेहनत करना शुरू कर देते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये रियलाइजेशन थोड़ी लेट होती है, लेट भी नहीं बोलेंगे, बट फिर भी डिसेंट इनफ टाइम पे हो जाती है, एंड वो अब इस वीडियो को देख के प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो तुम लोगों के लिए भी अगर टाइम कम है, ये वीडियो तुम 3 महीने बाद देख रहे हो, 2 या 3 महीने बचे हुए हैं, तो सब चीज़ें, प्रोसेसेस, स्टेप्स सेम रहने वाले हैं, सब चीज़ों का बस टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से अपने आप को तुम अडाप्ट कर सकते हो, इस प्लान को पूरे को अडाप्ट कर सकते हो अपने लिए भी। अब यार मैं मानता हूँ कुछ लोग लास्ट मिनट में मेहनत करके भी टॉप कर जाते हैं, कुछ लोग लास्ट मिनट में मेहनत करके भी बढ़िया वाली कंपनीज क्रैक कर लेते हैं, बट तुम लोग लास्ट मिनट का वेट मत करो। सब लोग लास्ट मिनट का वेट करोगे तो लास्ट मिनट में भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। अब तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे जो जिन्होंने अब कैंपस में घूमना बंद कर दिया है, हॉस्टल में टाइम पास करना, बकचोदी करना बंद कर दिया है, एंड अब सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो भाई अगर ऐसे लोग तुम्हें दिख रहे हैं, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो तुम लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, तुम भी स्टार्ट कर दो। एंड मैंने ये वाली गलती अपने टाइम पे ज़्यादा नहीं करी थी, मैंने भी डिसेंट इनफ टाइम पे प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दी थी। इंटर्नशिप के लिए थोड़ा लेट हो गया था, बट प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी सही टाइम पे सब कुछ स्टार्ट कर दिया था, एंड इट हेल्प मी क्रैक क्योर फिट ऑन द 2nd डे ऑफ द प्लेसमेंट सीजन, एंड उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करने में भी हेल्प किया है। तो भाई साहब पूरी बात ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, 6 महीने का रोड मैप तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को नहीं किया, एंड वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब फर्स्ट मंथ में क्या करना है, फाउंडेशन करने हैं। तुम्हारा 2nd ईयर ठीक है हो चुका है, 3rd ईयर खत्म होने वाला है, 4th ईयर स्टार्ट होने वाला है, प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले फाउंडेशन करनी पड़ेगी। अगर तुमने ऑलरेडी फाउंडेशन चीज़ें कर रखी हैं, फॉर एग्जाम्पल तुमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली है, डेवलपमेंट कोई भी एक तरीके की सीख ली है, तो यू आर एट अ गुड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा बढ़िया है। बट इफ़ यू आर समवन जिसने ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं, तो सबसे पहले बैठ के कोई एक लैंग्वेज सीख लो, ठीक है, साथ साथ डेवलपमेंट के लिए बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट सीख लो, एंड स्टार्ट ऑल दिस प्रोसेस, एंड आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बाकी चीज़ें तुम्हें बताता जाऊंगा। अब इसके लिए क्या करना है, DSA भी करना पड़ेगा, कुछ कंपनीज में DSA पूछेगा, कुछ कंपनी में एप्टीट्यूड पूछेगा, कुछ कंपनी में तुमसे कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड पूछेंगे। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आप लोगों को 3 तरीके की चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले DSA की प्रैक्टिस करो, DSA के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट में 100% आते हैं, तो रोज़ 1 या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इसको प्रॉपर 6 महीने तक तुम लोगों को फॉलो करना है, एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन रोज़ सॉल्व करने हैं। कुछ भी नहीं आता तो CS50 हार्वर्ड का यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगा, गीक्स और गीक से पढ़ सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज हैं जिससे तुम जाके पढ़ सकते हो, तो वहाँ से पढ़ लेना। एंड इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको जाके क्लिक करोगे तो तुम्हें पूरा एक प्रॉपर मिल जाएगा, अगर तुम्हें ऑनलाइन कहीं से पढ़ना है तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। 2nd स्टेप आ जाता है एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग पर काम करना। अब इसके लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जिस पर जाके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हारा आ जाता है IndiaBix, प्रेपिंस्टा या फिर RS अग्रवाल के 15 क्वेश्चन रोज के सॉल्व कर लो, एंड इसके बाद हर वीकेंड पे जाके MCAT, CoCubes या फिर तुम्हारा ई-लिटमस पे मॉक टेस्ट देने का ट्राई करो एंड उनको दो, ताकि तुम्हारी जो प्रैक्टिस है एप्टीट्यूड की वो होती रहे। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये वाला सेमेस्टर अच्छे से यूटिलाइज करना है। इस वाले सेमेस्टर में ट्राई करो हैकाथॉन्स में जाने का, कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने का, ताकि तुम्हारा रेज्यूमे भी अच्छा बन जाए। रेज्यूमे बनाना कैसे, करना क्या है, उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो तुम्हें एंड में मैं बता दूंगा कैसे बनानी होती है, क्या करना होता है। बट सबसे पहले तुम लोगों को ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी, क्या प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अब फर्स्ट मंथ में तुम्हारे बेसिक फाउंडेशन वाली चीज़ें हो गई हैं, तुम कर रहे हो, तुम्हारी कंसिस्टेंसी बढ़ती जा रही है, तुम एक डिफाइंड डिसिप्लिन्ड पाथ में काम करना सीख गए हो, उस चीज़ को कंटिन्यू रखनी है। बट 2nd मंथ में हमें क्या करना है, अपने जो और टेक स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। पहला स्टेप आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी तुमने सीखी होगी स्टार्टिंग में, उसको और थोड़ा इन डेप्थ पढ़ो। काफ़ी बारी कुछ कंपनीज में डायरेक्टली काफ़ी क्रेजी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एंड साथ साथ स्टार्ट यूजिंग AI ऑन एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस।
क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कैसे इसको ब्रेक डाउन करना है, कोड क्या लिखा हुआ है, इस कोड में कैसे सोचा जाएगा, पूरा थिंकिंग प्रोसेस है, सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ डीप सी कार्बन या फिर O3 मिनी टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंकिंग एक्चुअली हैपन्स। थिंकिंग सीखो, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना सीखो, प्रॉब्लम को सॉल्व फिर तुम अपने आप कर पाओगे। सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो द सेम। अब डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को अपने इंप्रूव करते रहना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया एक या दो क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन कंटिन्यू करते रहो, ये तुम्हें एट लास्ट एंड तक करते ही रहना है, तो ये कांस्टेंट रहने वाला है तुम्हारे रूटीन में। साथ साथ एक और स्किल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो थोड़ा सीख लेना, काफी हेल्प होने वाली है। चाहे तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, चाहे अपने रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल, तो वो पढ़ लेना। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्चुअली रियल वर्ल्ड कोडिंग जैसे होती है, गिटहब क्या होता है, गिट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कोड एडिटर्स हैं, कोड्स एडिटर सेटअप करना, ये सारी चीज़ें भी कर लेना। बस लीड कोड पे जाकर क्वेश्चन मत सॉल्व करते रह जाना। एक्चुअली रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हैकाथॉन्स में जाना है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, वो तुम्हें थर्ड स्टेप में करना पड़ेगा। अब थर्ड मंथ में क्या करना है भाई, हैकाथॉन्स में तुमने जाना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया आ गया है, अपने प्रोजेक्ट्स पे और काम करो, और कुछ कुछ रिलेवेंट स्किल्स हैं उनको सीखो, थोड़ा और इन डेप्थ घुसो चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग करी तुमने HTML, CSS, JavaScript सीखने में, फिर तुमने React सीख लिया, React के बाद Next.js सीख लिया, Tailwind CSS सीख लिया, तुमने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर लिया, अब थोड़ा सा बैकएंड पे आ जाते हैं, थोड़ा बहुत हमने बैकएंड सीख लिया, हमने सीख लिया कैसे जो तुम्हारा NoSQL वर्सेस SQL databases होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, कौन सा कब यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, थोड़ा बहुत फिर तुमने डिप्लॉयमेंट वगैरह के बारे में सीख लिया, DevOps के बारे में सीख लिया, ऐसे करते करते अपने नॉलेज बेस को इंक्रीज़ करते जाओ, ताकि अगर बिग टेक कंपनीज या फिर तुम्हारे IT जो मास रिक्रूटर्स हैं वहाँ ना जाना हो, स्टार्टअप्स में जाना हो, तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाएंगे स्किल्स। एंड तुम्हें रेज्यूमे पे दो तीन प्रोजेक्ट्स डालने होंगे। मैंने रिसेंटली एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 4-5 प्रोजेक्ट आइडियाज़ बताए थे, दो वीडियोज़ बना रखे हैं, दोनों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। टोटल 10 प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं, इनसे तुम देख सकते हो क्या चीज़ें हैं, क्या करनी है, क्या सीखना है, क्या बनाना है, एंड अपना थिंकिंग प्रोसेस यूज करके और बेटर आइडियाज तुम सोच सकते हो, डेवलप कर सकते हो। एंड भाई सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना काफी नहीं है, ट्राई करना, और डिप्लॉय हो जाए, डिप्लॉय ना हो तो उसका तुम एक यूट्यूब वीडियो टाइप, वॉक थ्रू टाइप बना दो, उसको डाल दो, गिटहब रिपोजिटरी पे डाल देना, रीडमी थोड़ा अच्छे से अपडेट कर देना, ये सारी चीज़ें तुम्हारे हायरिंग मैनेजर, रिक्रूटर या फिर अगर कोई तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हो उससे पहले देख सकता है, तो इन सब चीज़ों का तुम्हें डेफिनेटली ध्यान रखना है। मैंने पूरी प्रॉपर रेज्यूमे वाली वीडियो भी बनाई थी, उसमें बताया हुआ था कि व्हाट मिस्टेक्स पीपल यूजुअली डू, ठीक है। आई स्क्रीन 5000 अप्रॉक्स रेज्यूमेस, एंड जब मैं तैयारी के लिए हायरिंग कर रहा था तो वो पूरी नॉलेज मैंने उस वीडियो में असेंबल कर दी थी, उसको भी जाकर तुम डेफिनेटली देख सकते हो। अब इसी मंथ में तो अब तुम हैकाथॉन्स में जा चुके हो, प्रोजेक्ट बना लिए, सब कुछ कर लिया, गिटहब को एक्चुअली यूज करना स्टार्ट करो, कैसे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स को तुम रिजॉल्व करते हो, कैसे पुल रिक्वेस्ट डालते हो, कैसे इश्यूज को रिजॉल्व करते हो, कैसे इश्यूज आते हैं, क्या होता है, बग फिक्स कैसे होते हैं, पूरा प्रोसेस सीखो एंड ट्राई टू लर्न दैट, क्योंकि ये चीज़ें तुमसे रियल वर्ल्ड में पूछी जा सकती हैं। अब जो फोर्थ मंथ आएगा, फोर्थ मंथ में तुम्हें क्या करना है, अब मल्टीपल तरीके के जॉब रोल्स होते हैं, मल्टीपल तरीके की कंपनीज आते हैं। अगर तुम बिग टेक जाइंट्स की बात करोगे तो वहाँ पे GD वगैरह नहीं होता है, HR राउंड होता है काफ़ी कंपनीज में, बट GD नहीं होता है, बट कुछ कंपनीज में ग्रुप डिस्कशन वगैरह राउंड भी होते हैं। तो कोई नहीं, तुम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि एक्चुअली क्या होता है, क्या पूछा जाता है। एंड HR के लिए अगर तुम Amazon की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो Amazon के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, उन प्रिंसिपल्स पे, हर प्रिंसिपल पे एक दो सिनेरियोज बनाओ, जो तुमने हैकाथॉन्स के थ्रू जब गए होगे तो कुछ तुमने कॉन्फ्लिक्ट्स आए होंगे, कैसे रिजॉल्व किया, क्या चीज़ें होती हैं, एंड यूज़ स्टार मेथडोलॉजी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस, एंड पूरा एक अपना डॉक बना लो, हर आंसर से 2 या 3 प्रिंसिपल्स तुम्हारे अलाइन हो रहे होंगे, एंड HR में जब भी कुछ इस तरीके के इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुम इजीली आंसर कर पाओगे। एंड भाई अगर तुम इस वाली स्टेज पे पहुंच चुके हो, तुम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हो, अब तुम्हें बस अपने स्किल्स को, रेज्यूमे को, सब चीज़ों को पॉलिश करना है, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस फॉर रीचिंग दिस स्टेज। अब फिफ्थ मंथ आ जाता है हमारा, अब हमें क्या करना है, 2 महीने बचे हैं, फिफ्थ मंथ में टारगेटेड प्रेप करनी स्टार्ट करनी है, प्लेसमेंट सेल, अगर तुम ऑन कैंपस देख रहे हो, ऑफ कैंपस देख रहे हो, तो कंपनीज कौन सी हायर कर रही है, लास्ट ईयर किस टाइम हायर करती थी, अगर ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, हैकाथॉन्स होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें तुम देखो, ठीक है, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन वगैरह तुम कर लो गाइस, मज़ा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ये कर लेना है। फिफ्थ मंथ में तुम्हें ये सारी डिटेल प्रेप करनी पड़ेगी कंपनी वाइज। अब साथ साथ ऑनलाइन असेसमेंट्स देने का ट्राई करो, लीड कोड पे तुम थोड़े कॉन्टेस्ट वगैरह दो, कॉन्टेस्ट देना तुम थर्ड मंथ से ही स्टार्ट कर देना,
ताकि तुम एटलीस्ट 12-15 कॉन्टेस्ट टोटल दे चुके हो, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो गई हो। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेना, लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल इस रिक्रूटर वहाँ से भी तुम्हें रीच आउट कर सकते हैं, इंटरव्यूज आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो डू दैट एज वेल। लिंक्डइन पे पूरी डेफिनेटली एक बढ़िया सी वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी आई बटन में आ रही है। बहुत सारी वीडियोज तुम्हारे लिए मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, सब मैंने इस वाली वीडियो में रेफरेंस भी कर दी है, तो जाके वो सब भी देख लेना, इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। एक घंटा निकाल के सारी वीडियोज देखोगे तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएंगे उसके बाद। बट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें फल मिलेगा। अब तुम्हारा लास्ट 6 मंथ आ चुका है, 6 मंथ में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रेफरल्स लेने हैं, अप्लाई करना है। जितनी ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स में अप्लाई कर सकते हो, जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स में अपना बेसिकली अकाउंट बना सकते हो, प्रोफाइल बना सकते हो, बना दो। डरने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, रिजेक्शन आएगा आएगा। 100-200 कंपनीज में जब तक तुम अप्लाई नहीं करते हो, तो ये मत सोचना कि भाई मेरी नौकरी लग क्यों नहीं रही है। इस चीज़ के लिए तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा। जॉब मार्केट इज़ नॉट वेरी अमेजिंग कि भाई तुम एक कंपनी में अप्लाई करोगे उससे तुम्हें डायरेक्टली कॉल आ जाएगा। जितने ज़्यादा तीर मारोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं तीर टारगेट पे लग जाए। अब हर कंपनी में अप्लाई करने के लिए थोड़ा देख लेना किस रोल के लिए वो हायर कर रही है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इसके लिए मैं टूल बना रहा था एक, वो भी तुम्हारे साथ काफ़ी जल्दी शेयर कर दूंगा। उसमें तुम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, पता चल जाएगी क्या क्या तुम्हारे लिए मिसिंग है, क्या क्या तुम अपने प्रोजेक्ट्स को चेंज कर सकते हो, क्या अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी तुम ChatGPT को यूज़ करके भी सेम काम कर सकते हो, उसको डिस्क्रिप्शन दो, अपना रेज्यूमे दो, उससे पूछो कि कैसे मैं अपने रेज्यूमे में ये सारी क्वालिटीज़ या ये सारी चीज़ों को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, एंड डेफिनेटली फिर उसके बाद तुम अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड चीज़ आती है रेफरल्स। रेफरल्स से तुम्हारे सेलेक्ट होने के 3x चांसेस बढ़ जाते हैं। रेफरल क्या होता है कि शॉर्ट तुम्हें टेस्ट तो आ जाएगा रेफर अगर तुम हो जाते हो तो। अब रेफरल का ये मतलब नहीं है कि हमेशा 100% केसेस में रेफरल वर्क करता है या फिर तुम्हें डायरेक्टली नौकरी मिल जाएगी। इट्स जस्ट कि तुम्हारे चांसेस ऑफ गेटिंग अ टेस्ट अगर पहले वो एक्स थे तो 3x हो जाते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉक इंटरव्यूज ज़रूर दे देना। ट्राई टू फाइंड पीपल जो तुम्हारे मॉक्स ले ले, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हों, तुम्हारे सीनियर्स हों, उनके पास जाओ, मॉक इंटरव्यूज लो, एंड उससे तुम्हारा डर निकलेगा इंटरव्यूज देने का। जितनी जल्दी तुम्हारा इंटरव्यूज देने का डर निकलेगा उतनी जल्दी तुम कंपनीज क्रैक कर पाओगे। जब तुम रेफरल्स लेने जाओ तो एक चीज़ का ध्यान रख लेना, कनेक्शंस लिंक्डइन पे जब भेज रहे हो तो ट्राई करना अपने कॉलेज सीनियर्स को भेजो या फिर एक जो ऑलरेडी कहीं से कनेक्टेड है। इट्स ईजियर टू कनेक्ट विद दोज पीपल एंड आस्क फॉर रेफरल्स। रैंडम तुम 3 कनेक्शंस अवे वाले बंदे को ढूंढोगे, 2 कनेक्शंस अवे वाले बंदे को ढूंढोगे, तो वो तुम्हें शायद एक्सेप्ट ही ना करें एंड तुम्हें रेफरल ना मिले। ट्राई टू फाइंड इमीडिएट कनेक्शंस, तो उससे तुम्हारे रेफरल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ें एक रोड मैप के अंदर भी डाल दी हैं, सारी वीडियोस के लिंक, सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, उस रोड मैप का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी तुम्हारा डाउट हो, किसी भी चीज़ में तुम्हें डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो, तुम मेरे को डेफिनेटली बता सकते हो। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।